हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बता रही हूँ चॉकलेट सिरप कैसे बनाते हैं घर पर। चॉकलेट सिरप की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो घर में बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी मिनटों में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो आपको बाज़ार से बहुत महंगे महंगे चॉकलेट सिरप खरीदने की ज़रूरत नहीं है, घर में बहुत ही ईजीली बहुत कम इन्ग्रीडियंट के साथ ये रेसिपी बना सकते हैं। तो उसके लिए मुझे जो सामान चाहिए, जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो ये हैं। चॉकलेट सिरप बनाने के लिए मैंने एक चम्मच बटर लिया है, 2 चम्मच मैंने कोकोआ पाउडर लिया है, ये मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाता है, किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने लिया है यहाँ पर मैदा यानी प्लेन फ्लावर, और साथ में मैंने 4 चम्मच चीनी ली है, ये रेगुलर शुगर है। और इन सब चीज़ों को मेज़र करने के लिए मैंने ये स्पून यूज़ किया, आप कोई भी स्पून यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में मैंने लिया 1 कप मिल्क। अब मैंने गैस पर ये पैन रख दिया है, गैस को ऑन कर दिया है और मैंने इसमें 1 कप मिल्क जो मैंने लिया था वो डाल दिया है। साथ ही में मैं डाल दूंगी इसमें बटर, और जब तक इस दूध में बॉईल आता है मेरे जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं तीनों, शुगर, मैदा और कोकोआ पाउडर, उनको मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। इसमें बटर डालना जो है बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन बटर डालने से इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें बटर को ऐड किया है। आप चाहें तो बटर को स्किप कर सकते हैं। तो अब जब इसमें बॉईल आने वाला है, ये काफ़ी हीट हो चुका है मिल्क, तो मैं इसमें जो मैंने ये मिक्स कर दिया है सब कुछ, तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी ताकि इसमें लम्स ना पड़े, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करती जाऊँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाएं, और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फ्लेम को कर दें लो और इसे 2-3 मिनट तक, एटलीस्ट 2-3 मिनट तक इसको पकने दें। इसके लम्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि आपके सिरप में लम्स बन रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप इस सिरप में एक बार हैंड ब्लेंडर घुमा दें, जिससे कि जो लम्स होंगे वो बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब इसे मैं लो फ्लेम पर पका रही हूँ 2-3 मिनट के लिए। इस सिरप को लगातार चलाना है, बिल्कुल लगातार घुमाते हुए पकाना है, क्योंकि इसमें मैदा डाली है तो इसमें लम्स पड़ने के चांसेस रहते ही हैं। साथ ही में इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको जैसी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए उसे थोड़ा पतला रखना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थिक हो जाता है। तो अगर लेकिन फिर भी अगर आपका सिरप थिक हो जाता है तो आप इसमें 2-3 चम्मच मिल्क और ऐड कर लें और उसमें 1 बॉईल आने दें। और अगर आपका जो सिरप है वो पतला रह जाता है 2-3 मिनट पकाने के बाद भी आपको लगता है कि काफ़ी थिन है, तो फिर आप इसको 1-2 मिनट और पका सकते हैं। मुझे इस वक्त इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे ठंडा होने दूंगी। और साथ ही में मैं 2-3 बूंद वनीला एसेंस जो है इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि मैं शुरू में ये ऐड करना भूल गई थी। ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, बिल्कुल मार्केट जैसा है, और ये बिल्कुल स्मूथ है, इसमें कोई लम्स नहीं है। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका भी सिरप बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको ये कैसा लगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।